लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल रिगार्डिंग इंटीजर एंड कैरेक्टर. हियर y इज डिक्लेयर्ड एज कैरेक्टर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. डेटा टाइप ऑफ x इज इंट. डेटा टाइप ऑफ y इज कैरेक्टर टाइप्स. According to integer data type, size of x is 2 bytes. According to character data type, size of y is 1 byte. सबसे जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में टोटली 2 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, x और y. x के रिस्पेक्ट में बात करें, x का साइज क्या है? 2 bytes. It is equivalent to 16 bits. This is the memory allocation for x. Next one, allocation for variable y. y का साइज क्या है? वो ओनली 1 bytes, मींस 2 bytes फॉर x, 1 bytes फॉर y. देन x के केस में इनिशियली असाइन करा है, x का इनिशियल वैल्यू है x इक्वल्स टू 260. एज वी नो मेमोरी के अंदर वेरिएबल x में डेटा किस फॉर्म में असाइन हुआ? डायरेक्टली डेसिमल फॉर्मेट और बाइनरी फॉर्मेट, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. इसके रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ? बाइनरी वैल्यू ऑफ 260. व्हाट इज द नियरेस्ट lowest integer in that table respect to 260, which is 256. तो 256 के केस में क्या आएगा? 1. 256, 260 माने 256 becomes 4. Then 4 के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा? 1. Remaining bits are put at 0. Like that. This is the binary number of 260, which is assigned to the variable x. तो x के रिस्पेक्ट में बात करें, x का बाइनरी नंबर कैलकुलेट कितने बिट्स में हुआ है? 9 बिट्स. देयर आर 9 बिट्स. लेकिन इस नंबर को स्टोर करने के लिए अवेलेबल कितने बिट्स हैं? 16 बिट्स. देन फर्स्ट राइट मोस्ट 8 बिट्स असाइन किस प्लेस पर होंगे? सेकंड बाइट ऑफ द x, व्हिच इज 0000100. देन रिमेनिंग केसेस मत करो. नेक्स्ट केस में क्या आसान हुआ? वैल्यू है 1. रिमेनिंग डेटा किस बाइट में आसान हुआ? सेकंड बाइट ऑफ x प्लस रिमेनिंग. सेकंड बाइट का भी साइज क्या है? 8 बिट्स. अवेलेबल कितने बिट्स हैं? 1. इनको 8 बिट्स में कन्वर्ट कराने के लिए रिमेनिंग टाइम्स इंसर्ट करा लेंगे 0. तो इसका बाइनरी नंबर क्या हुआ? 1 7 टाइम्स 0. दिस द बाइनरी नंबर ऑफ 216, 60 बिट रिप्रेजेंटेशन. 16 बिट्स में राइट क्या हुआ? लाइक दैट. नेक्स्ट वन, सेम वैल्यू कॉपी किया, y इक्वल्स टू x. इस केस में परफॉर्म क्या हो रहा है? टाइप कन्वर्जन. x का डेटा टाइप क्या है? ऑलरेडी इंटीजर. और y का डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर. इसके रिस्पेक्ट में x का केस में बात करें तो डेटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल कितने बिट्स में? 16 बिट्स में. कॉपी कितने बिट्स में साइन हो रहा है? ओनली 8 बिट्स. मीन्स इस केस में हायर साइज डेटा लोअर साइज में कन्वर्ट हो रहा है. मीन्स जनरली टू टाइप्स के कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे, या तो लोअर साइज डेटा हायर साइज में साइन हुआ, या फिर हायर साइज डेटा लोअर साइज में साइन करेंगे. जब भी हायर साइज के डेटा को लोअर साइज में साइन करते हैं, कॉन्सेप्ट को नेम देंगे टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन. किस टाइप पे टाइप कन्वर्जन हो रहा है? हायर टू लोअर. हायर टू लोअर मीन्स टाइप कास्टिंग. सिमिलरली लोअर टू हायर, दिस वन इज कंसीडर्ड एज टाइप कन्वर्जन और टाइप प्रमोशन. टाइप प्रमोशन मीन्स लोअर टू हायर टाइप प्रमोशन, हायर टू लोअर टाइप कास्टिंग. तो इस केस में अप्लाई क्या हो रहा है? 16 बिट डेटा मीन्स हायर डेटा, हायर साइज डेटा लोअर साइज में कन्वर्ट परफॉर्म किया हुआ टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग करेंटली जो इन्फॉर्मेशन 16 बिट्स में, सेम इन्फॉर्मेशन कॉपी करें इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट रिप्रेजेंटेशन. अब 16 बिट डेटा को कम्प्लीटली 8 बिट्स में फिलअप करना पॉसिबल नहीं, तो इसलिए आप आसान कैसे करो? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सबसे पहले क्या आसान होगा? राइट मोस्ट बिट्स 0, नेक्स्ट वन अगेन 0 1 0, देन अगेन 4 टाइम 0. फाइनली इस केस में आसान क्या हो जाएगा? दैट वन मीन्स रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए y के पास कोई भी मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं, इसलिए y के रिस्पेक्ट में रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड हो जाता है. दिस मीन वाई
टाइप कास्टिंग, इसे टाइप कास्टिंग के केसेस में डेटा और इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने के चांसेस होंगे। रियल में देखा जाए तो एक्स के अंदर असाइन क्या कराया गया था, बाइनरी नंबर ऑफ 260। ये सेम डेटा जब वाई में कॉपी किया अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, देन वाई के केसेस में सेम डेटा 8 बिट्स में कन्वर्ट किया, देन 8 बिट्स के केसेस में इस पर्टिकुलर पॉजिटिव बिट वन को लॉस्ट कर चुके हैं। इसका मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन चेंज और लॉस्ट होने के चांसेस हैं। इस केस में अगर एक्स का वैल्यू प्रिंट कराओ, फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या कराएगा, वैल्यू प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने चांसेस नहीं। एक्स के केस में डेसिमल नंबर क्या स्टोर हुआ, एग्जैक्टली 260, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ, 260। बट व्हाट अबाउट वाई, वाई के रिस्पेक्ट में जब वैल्यू डिस्प्ले कराओ साइन बिट 0, इसका डेसिमल नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे इट इज इक्वलेंट टू 4, वाई के रिस्पेक्ट में क्या प्रिंट हुआ 4, जबकि आसान क्या कराया गया था x, और x में 260 है तो y में भी क्या आसान होना चाहिए था 260, लेकिन इस केस में x y के पास x का इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली स्टोर करने के लिए सफिशियंट स्पेस अवेलेबल है, इसलिए आसान क्या हुआ ओनली 4, रिमेनिंग डेटा लॉस्ट हो चुका है।